जब सड़क पे चलेंगे, फुटपाथ पे कोई भूखा और नंगा होगा, उसको हम कपड़ा देंगे, खाना देंगे, इस टाइप का हम सपोर्ट करना चाहते हैं। प्लेटफॉर्म पर आप स्टंट कर रहे थे, उस टाइम भी आपको छक्का बोला गया था? उस टाइम भी आपको छक्का बोला गया? बोल रहा था कि छक्का जैसा लग रहा है। क्या बोल रहा था? छक्का था। ये जो चोला आप पहने हुए हैं, ये ड्रेस और ये बाल, ये क्रिस की तरह आपका दिखने वाला ये लुक। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं A24 दोस्त। अक्सर आप लोगों ने फिल्म में देखा होगा जो ऋतिक रोशन है, क्रिस उनका मूवी आया था, काफ़ी सुपर डुपर हिट रहा था। लेकिन वही क्रिस जब सिनेमा घर से बाहर निकलकर सिवान स्टेशनों पर घूमने लगे तो आप सोच कर देखिए कैसा होगा। उसी तरह से एक लड़का क्रिस के रूप में आपको दिख रहा होगा कैमरा में, ये लड़का सिवान स्टेशन पर वो स्टंट करता है और वो क्रिस वाला वो हर चीज़ दिखाता है, हर स्टंट दिखाता है, जिससे पुलिसकर्मी इनको हिरासत में लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। और देखिए, एक संदेश मैं इस वीडियो को देना चाहूँगा कि जो क्रिस फिल्म है, वो मूवी है, वो दर्शाया गया है, काल्पनिक है, लेकिन जो ये लड़का है बिल्कुल सच में क्रिस का स्टंट करके और रातों रात वायरल हो गया है। इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे की रहस्य क्या है, आखिर ये लड़का पुलिस के हिरासत में कैसे चला गया, पुलिस इसको गिरफ्तार कैसे कर ली, तमाम बिंदुओं पर हम फोकस करने का प्रयास करेंगे। क्या हाल है आपका? मेरा बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? क्या नाम है? मेरा नाम है मिराजुद्दीन अहमद और मैं सिवान से हूँ और गांव का नाम है मोहल। ये जो चोला आप पहने हुए हैं, ये ड्रेस और ये बाल, ये क्रिस की तरह आपका दिखने वाला ये लुक जो है, आखिर क्या सोच करके आप रेलवे स्टेशन, वो भी सिवान में रेलवे स्टेशन पर आप स्टैंड करने निकल चुके हैं, और क्या हुआ था उस दिन कि आपको पुलिस हिरासत में ले ली? मैं ये सोच के गया था कि वहाँ पे जो वीडियो मैं बनाऊँगा ना, वो मेरे लायक होगा। जब मैं एडिटिंग करूँगा, मेरे लायक एडिटिंग होगा, तब मैं अपलोड करूँगा तो उसको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, अच्छा लाइक सपोर्ट और व्यूज़ मिलेंगे और हमको बहुत लोग देखेंगे, हमको प्यार करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो आप पहने हुए हैं क्रिस वाला, ये जो पोशाक है, ये बिल्कुल मास्क जो क्रिस वाला है, ये छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ग्रामीण सुदूर इलाके के, वो हंसी मजाक में पहनते थे, लेकिन आपने पहन करके एक अलग ही कारनामा कर दिया जिससे आपको पुलिस हिरासत कर ली, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये गलत है? हाँ, गलत तो लगता है, लेकिन हमको कुछ करना है तो गलत से तो हम घबराएंगे और पीछे में हटेंगे। हमको बहुत ऊपर तक जाना है, मेहनत करना है और अपना एक अलग पहचान बनाना है। हर इंसान चाहता है कि अपने बल पे कुछ करे, मेहनत करे और एक अपना अलग पहचान बनाए। और अच्छा क्रिस जी, अब मैं आपका क्रिस ही नाम रखूँगा। आप क्रिस जी, एक बात बताइए, जो फिल्म है क्रिस 3, क्रिस 2, क्रिस 1, ऐसे तमाम फिल्में हैं जिसमें ऋतिक रोशन देखा जाता है, कई ऐसे जो अभिनेता हैं स्टंट करते नज़र आते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, अगर आपको रियल लाइफ में किसी को मदद करना होगा तो कैसे कीजिए? मैं बिल्कुल करूँगा और दिलो जान लगा दूँगा करने के लिए हेल्प, क्योंकि मेरा रियल मकसद यही है और मैं इसी के लिए ड्रेस यूज करता हूँ, इसीलिए ड्रेस यूज करता जी। तो क्या लगता है, ये जो ये चोला जो पहने हुए हैं ब्लैक वाला, ये जो आप लगाए हुए हैं मास्क, इस पहन करके किसी का मदद कर सकते हैं? ये तो आप अर्निंग के लिए कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं जी। ये भी बात सही है, अर्निंग के लिए कर रहे हैं। जब अर्निंग करेंगे ना तो उस पैसे से भी हम मदद कर सकते हैं। जब सड़क पे चलेंगे, फुटपाथ पे कोई भूखा और नंगा होगा, उसको हम कपड़ा देंगे, खाना देंगे, इस टाइप का हम सपोर्ट करना चाहते हैं। इसका मकसद क्या है, हेल्प करना है कि नाम कमाना है कि पैसा कमाना है? नाम भी कमाना है और पैसे भी कमा के हेल्प करना है। हेल्प करना है जी। अच्छा, अगर मान लीजिए सपोज डेट आपको जीवन में किसी को हेल्प करना होगा तह दिल से, वो कौन सा कैसा आपका काम होगा जो जिससे उसका जीवन बच जाए? जिस तरह देखा जाता है कि जो क्रिस में लोगों को मदद करता है, जो प्लेन होता है, प्लेन के ऊपर जो सवारी बैठा होता है उसको बचा लेता है, आप क्या कर सकते हैं उसके तरह? मैं तो वीडियो में नहीं हूँ, वो जो इफेक्ट्स होता है, VFX होता है, उस टाइप का तो मैं नहीं हूँ। मैं तो रियल में हूँ, मैं तो रनिंग कर सकता हूँ और अपना दिमाग लगा के कुछ भी ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। अपने हाथ पैर से जो भी हो सकता है हम कर सकते हैं, दिल जान लगा के कर सकते हैं। अच्छा, आपका मकसद है कि हम लोगों को मदद करें जी। अब तो आपका नाम काफ़ी पूरा बिहार में गूंज रहा है, कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत गर्व फील हो रहा है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। भले उस समय मैं बहुत मायूस था जब हमारी गिरफ्तारी हुई थी और हमारे ऊपर कार्रवाई हुआ था। अब कैसा लग रहा है? और बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे पब्लिक हमको इतना सपोर्ट कर रही है, हमको इतना पब्लिक देख रही है, प्यार कर रही है, सपोर्ट कर रही है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और मैं
पब्लिक से यही कहूँगा, अपने दोस्तों से यही कहूँगा कि हमको ऐसे ही सपोर्ट प्यार करते रहिए और अपने भाई को सपोर्ट करिए कि आगे बढ़े और कुछ करे, कुछ बने, ताकि अपना जो मकसद है वो पूरा हो जाए। भैया क्रिस, आपसे थोड़ा एक गंभीर सवाल है। जब ये आप ड्रेस पहन के, क्रिस वाला ये चोला पहन के, क्रिस वाला ये मास्क पहन के, ये जो बाल है बनावटी बाल लेकर के जब गाँव में निकलते हैं, तो गाँव के लोगों का रिएक्शन क्या होता है? गाँव के लोग तो टोना मारते होंगे। हाँ, वो तो मिलता रहता है, ऐसा बात नहीं, वो तो नॉर्मल बात है, ठीक है। फिर भी हम उसको इग्नोर मार देते हैं। अब तो जैसे हम वीडियो बनाए जाते हैं, इसको कोई काम धंधा नहीं है, खर्चा कैसे चलाता होगा, इसको सोचना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए, क्या लगा है, छक्का है, इस टाइप से। अच्छा, छक्का भी बोला? हाँ, इस टाइप से। आपको जब ये मास्क लगा कर बाल लगा कर जाते हैं तो छक्का भी बोला जाता है? जी जी। लेकिन फिर भी आप इग्नोर करके चलते हैं? और वहाँ पर भी बोला गया था, प्लेटफॉर्म पर भी बोला गया था, वहाँ पर भी हुआ था। प्लेटफॉर्म पर भी, जो सिवान प्लेटफॉर्म पर आप स्टंट कर रहे थे, उस टाइम भी आप छक्का बोला गया था? उस टाइम भी आपको छक्का बोला गया? बोल रहा था कि छक्का जैसा लग रहा है। क्या बोल रहा था? छक्का, थर्ड जेंडर। आपको थर्ड जेंडर? यस। अच्छा, कैसा लगा जब आपको छक्का बोला? आप तो एक इंसान है, एक भली भांति इंसान है, व्यक्ति है, अच्छा सोच रखते हैं, आपके अंदर भी वो जज्बा है, जुनून है, उसके बाद भी आपको छक्का कहा गया, तो कैसा लगा आपको? कुछ नहीं, अच्छा, कोई अच्छा अच्छा क्या लगेगा, बहुत ही अच्छा लगा हमको, कोई मतलब नहीं है उससे। सब बातों को दरकिनारा कर दिया? हाँ, सभी बातों को। बिल्कुल। छक्का कहने के बाद भी आपको दिल में तकलीफ नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं हुई हमको। तकलीफ होता तो हम ये पहन के क्यों आपके सामने खड़ा होते हैं? लेकिन ये जुनून और ये जज्बात, ये जो हौसला है, ये कायम रहेगा? जी, हम जो सोच लिए हैं वो करेंगे। चलिए देखिए कि ये इनका जुनून और जज्बात और जोश देखिए कि कहा जाता है ग्रामीण सुदीर्घ जो इलाका होता है उसमें कम ही बच्चे ऐसे होते हैं जो इस तरह के कारनामे करते हैं। और साहब का देखिए कारनामा, जब ये जाते हैं सिवान स्टेशन पर स्टंट करते हैं, उसी दरमियान इनको पुलिस हिरासत में लेती है, और हिरासत में लेते हैं ये लड़का पूरे बिहार में वायरल हो जाता है और इसका चर्चा का केंद्र बन जाता है। अब वही गाँव के लोग जो ये चलते थे तो छक्का और तोना कैसे कैसे शब्दों का निवारण करना पड़ता था, लेकिन आज देखिए कि ये मीडियाकर्मी इनके घर पहुँचने लगे हैं और वही गांव वाले आज गर्व से ये कह रहे हैं कि लड़का कुछ करेगा। यही खबर मैं दिखा रहा था सिवान से। बने रहिए और देखते रहिए 24 न्यूज़। धन्यवाद, प्रणाम।